أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم dear students of third year botany. Welcome to you all. हम कल स्लेजिनेला पढ़ रहे थे और स्लेजिनेला जो है वो हमने हाफ डिस्कस किया था. स्लेजिनेला के बारे में उसका स्पोरोफाइट हमने डिस्कस किया था. स्पोरोफिटिक उसकी प्लांट बॉडी है जिस पर दो तरह के लीव्स हैं, माइक्रो और मेगा स्पोरो. मेगाफिल्स लार्जर लीव्स मेगाफिल्स हैं, स्मॉलर लीव माइक्रोफिल्स हैं. राइजोफोर्स उसमें से ओरिजिनेट हो रहे स्टेम से जिनके नीचे रूट्स हैं. ठीक है, वेजिटेटिवली भी रिप्रोडक्शन शो करते हैं और एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं, जिनमें हमने इनका एसेक्सुअल मोड हम पढ़ रहे थे कि बेसिकली स्पोर फॉर्मेशन करते हैं. ये दो तरह के स्पोर्स बनाते हैं, कौन से, माइक्रो और मेगा स्पोर्स बनाते हैं. एक लार्जर इन साइज है और एक स्मॉलर इन साइज है. ठीक है, जो मैंने आपको कल प्रैक्टिकल के हवाले से एक स्लाइड भी दिखाई थी कि यहाँ पर स्लेजिनेला के अंदर ये जो आपको नजर आ रहा है एक ही स्टॉक है जिसके ऊपर दोनों स्पोर्स लगे, जो राउंडेड स्मॉल स्पोर्स है दीज आर माइक्रो स्पोर्स, और ये जो लार्जर आपको नजर आ रहे हैं दीज आर मेगा स्पोर्स. ठीक है, आपकी बुक में भी बिल्कुल इसी तरह की एक डायग्राम बनी हुई है. ठीक है, यहाँ पर ये वाले जो है वो मेगास्पोरेंजिया दिखाए हुए जिसमें मेगास्पोर्स बन रहे हैं, और ये जो स्मॉलर है ये माइक्रोस्पोरेंजिया है जिनमें माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं. हमेशा याद रखना है ये जो माइक्रो और मेगास्पोर्स है दीज आर डेवलप ऑन अ लीव्स. वो जो स्पेशलाइज्ड लीव्स हैं उनको हम माइक्रोस्पोरोफिल्स और मेगास्पोरोफिल्स कहते हैं. माइक्रोस्पोरोफिल हमेशा माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप करेंगे और जो के आगे माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे. इस तरह मेगास्पोरोफिल्स मेगास्पोर्स डेवलप स्पोरेंजिया डेवलप करेंगे और वो मेगास्पोरेंजिया आगे मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे. ठीक है, यहाँ पर आपको इन्होंने शो किया स्पोरेंजियो फोर स्पाइक्स. ये स्पाइक थी असल में. ठीक है, तो वो स्पोरेंजिया जो के इन द एक्सिस ऑफ लिग्यूलेटेड लीव्स ग्रो करते हैं उन्हें हम स्पोरोफिल कहते हैं. ये जो आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, ये लीफ लाइक, ये लिग्यूल है छोटी सी, तो लिग्यूलेटेड लीव्स ये लीफ है. ठीक है, लिग्यूलेटेड लीव्स के दरमियान में एक्सिस से ये ओरिजिनेट हो रहे स्पोरेंजिया, तो ये सारा क्या कहलाता है, स्पोरोफिल. ठीक है, इन स्पोरोफिल्स के ऊपर जो है वो आगे लगते हैं स्ट्रॉबिलाई. ठीक है, एट द एंड ऑफ द शूट स्ट्रॉबिलाई इस पूरी कोन को कह रहे हैं जो स्लेजिनेला डेवलप कर रही है, जिसमें बहुत सारे स्पोरेंजिया एग्रीगेट हो जाते हैं, उन्हें हम स्ट्रॉबिलाई का नाम देते हैं. इसमें बहुत सारे स्पोरेंजिया इकट्ठे हो जाते हैं. ठीक है, ये लीव्स बिल्कुल वेजिटेटिव लीव्स जिस तरह आम लीव्स है उसी की तरह के आपको ये नजर आते हैं लीव्स, लेकिन इनके ऊपर स्पोरेंजिया लिग्यूल के एक्सिस से ओरिजिनेट होते हैं. ठीक है, तो ये जो ओवरऑल कॉन्स है इनको हम क्या नाम देते हैं, स्ट्रॉबेलाई का, जिनके अंदर बहुत सारे मेल और फीमेल माइक्रो और मेगा स्पोरेंजिया जो है वो एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, इसको हम स्पोरेंजियोफोर स्पाइक का नाम देते हैं क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है स्ट्रॉबेलाई का. ठीक है, स्पोरेंजियोफोर स्पाइक ही हम कहते हैं. क्लियर हो गया. आगे जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजिया आपको बताया हुआ है. माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो स्मॉल इन साइज है. ये माइक्रोस्पोर की उन्होंने स्पोरेंजिया की डायग्राम भी आपको ड्रॉ करके बताई हुई है. स्मॉल है, स्टॉक है नीचे एक छोटी सी इसके. ठीक है, वेरियसली शेप्ड हो सकते हैं लेकिन मोस्टली जो है वो ओवल इन शेप ही होते हैं. ठीक है, मेगा स्पोरेंजिया उसके पास स्टॉक्ड है, नीचे से स्टॉक है लेकिन ऊपर फोर लूप्ड है. ये अगेन आपको थ्री ही नजर आते हैं सामने से. टू लेयर स्पोरेंजियम की वॉल है जो कि सराउंड करती है, एक टैपेटम कहलाती है और उसके अंदर जो है वो स्पोरोजीनस टिश्यूज जो है वो एग्जिस्ट करते हैं. तो बाहर वाली लेयर आपने याद रखनी है इनकी कौन सी है, टैपेटम, और उसके अंदर जो है वो स्पोरोजीनस टिश्यूज है जिनमें स्पोर मदर सेल्स है. वो स्पोर मदर सेल फिर क्या बनाते हैं, स्पोर्स बनाने में इन्वॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, टैपेटम जो है वो इनर मोस्ट लेयर जो है स्पोरेंजियम वॉल जिसे हम नाम देते हैं उसको इर्द गिर्द जो है वो उसी से डेवलप हो रही है. ठीक है, अच्छा इसके बाद वो आपको बताते हैं स्पोरेंजिया जो है वो डिहिस होते हैं, किस तरह से अपने स्पोर्स को डिस्पर्स करते हैं, बाय फॉर्मेशन ऑफ अ वर्टिकल क्लेफ्ट इन द वॉल एंड रिलीज द स्पोर. सबसे पहले वर्टिकली वहां पर एक ओपनिंग क्रिएट होती है जिसको वर्टिकल क्लेफ्ट का नाम दे रहे हैं, और उसमें से सारे स्पोर्स जो है वो बाहर रिलीज आउट हो जाते हैं. ठीक है, डेवलपमेंटल प्रोसेस में आपने सिर्फ ये पॉइंट्स याद रखे हैं. जैसे उन्होंने कहा माइक्रोस्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल सेपरेट होते हैं, 10 to 20% सेल्स जो हैं वो डिसइंटेग्रेट होते हैं यानी कि ख़त्म हो जाते हैं, बाकी जो है वो टेट्राड की फॉर्म में अरेंज होकर माइक्रोस्पोर बनाते हैं, चार चार माइक्रोस्पोर्स. ठीक है,
मेगास्पोर एंजियम में भी बहुत सारे स्पोर मदर सेल होते हैं, लेकिन एक रहता है, बाकी सारे डिसइंटेग्रेट हो जाते हैं। फिर वो मियोसिस करके आगे चार, एक ही मियोसिस होगी तो आगे फोर स्पोर्स बन जाएंगे। दीज आर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर। ठीक है, वो मेगास्पोर फंक्शनल होता है, चार में चारों ही फंक्शनल होते हैं, और वो आगे जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मेगास्पोर्स आगे डेवलपमेंट शो करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो कैपिटल सेल्स यहाँ पर मौजूद हैं वो डिसइंटेग्रेट होते हैं, वो एक न्यूट्रिटिव फ्लूइड बनाते हैं, जिनका काम है कि जब तक स्पोर्स वहाँ मौजूद होंगे तब तक ये उन्हें न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, वो इस फ्लूइड में तैरते रहते हैं और न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। फिर आगे स्पोरोफाइट से क्या बनना है, स्पोर्स बने हैं, स्पोर्स आगे जब जर्मिनेट होते हैं तो उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन बनानी, दैट इज गेमीटोफाइट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये, गेमीटोफाइट जो के अंदर होती है, माइक्रो और मेगा स्पोर्स डेवलप हो जाते हैं अपने अपने गेमीटोफाइट के अंदर। माइक्रोस्पोर हमेशा मेल गेमीटोफाइट बनाएगा हर प्लांट में, और मेगा स्पोर हमेशा फीमेल गेमीटोफाइट बनाएगा। ठीक है, ये जो जर्मिनेशन स्पोर्स की है ये प्रिकोशियस है। प्रिकोशियस का मतलब है इट स्टार्ट विद इन द वॉल ऑफ द रिसेप्टिव स्पोरेंजिया, जैसे ही रिस्पेक्टिव स्पोरेंजिया, जैसे ही जैसे फॉर एग्जाम्पल माइक्रोस्पोरेंजिया था, उसी के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी मेल गेमिटोफाइट के अंदर, जबकि मेगास्पोरेंजिया अपने अंदर ही डेवलपमेंट स्टार्ट कर देगा फीमेल गेमिटोफाइट की। मेल गेमिटोफाइट जो है वो रिलीज होता है एट द स्टेज ऑफ 13 सेल्स, जब 13 सेल्स डिवीजन के बाद बन जाते हैं तब वो रिलीज होता है। ठीक है, इसी तरह फीमेल गेमिटोफाइट भी बाहर आता है जब वो डिपेंड करता है कि उसके स्पीशी कौन सी, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस सेल स्टेज के ऊपर वो बाहर आएगा मेगास्पोरेंजिया से। ठीक है, अपने अपनी स्टेज के हवाले से, स्पीशी के हवाले से। मेल गेमिटोफाइट में माइक्रोस्पोर सबसे पहले दिया हुआ है, माइन्यूट टेट्राहेड्रल यूनि न्यूक्लिएट है, ये माइक्रोस्पोर है। ठीक है, जो कि यूनि न्यूक्लिएट होता है, टेट्राहेड्रल है, 2 to 3 लेयर्ड वॉल है इसके, प्रोटोप्लास्ट के इर्द गिर्द आउटर वॉल थिक हो गई, आपने वो हमेशा पढ़ा स्पोर की, बाहर वाली वॉल थिक और एक्साइन कहलाती है, अंदर वाली स्मूथ होती है, जिसे हम इंटाइन कहते हैं। ठीक है, यहाँ माइक्रोस्पोर जो है वो डिवाइड करेगा प्रोथीलियल सेल्स के अंदर, ठीक है, और लार्ज एथ्रीडियल सेल में। अब ये जो एथ्रीडियल सेल है वो अगेन उसके इर्द गिर्द 8 सेल्स वाली स्टेराइल जैकेट लेयर होगी, जिसके अंदर 4 प्राइमरी स्पर्मेटोजीनस सेल्स बनेंगे। वो स्पर्मेटोजीनस सेल्स जो है वो 6 टाइम्स डिवाइड होंगे और तकरीबन 128 to 256 स्पर्म सेल्स बना देंगे, स्पर्म मदर सेल। वो स्पर्म मदर सेल फिर आगे मेटामॉर्फोसिस के थ्रू डेवलप हो जाएंगे मेल स्पर्म में, जो के होंगे बायफ्लेजिलेटेड, हर एक के पास 2 फ्लेजेला मौजूद होंगे। ठीक है, अब ये जो जैकेट सेल्स हैं वो डिसइंटेग्रेट करेगी, फट जाएगी, अलग होंगे उसके सेल्स, और उनमें से जो मेल स्पर्म है वो बाहर रिलीज आउट हो जाएंगे। तो ये तो इसका था मेल गेमीटोफाइट। ठीक है, इसी तरीके से इसका फीमेल गेमीटोफाइट भी है। फीमेल गेमीटोफाइट की अगर आप बात करते हैं तो मेगास्पोर इनलार्ज होगा साइज में, वो 2 लेयर वाली स्पोर वॉल सिक्रीट आउट करेगा, 2 लेयर होगी, इसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगा, साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट होगी, न्यूक्लियर डिवीजन जैसे ही स्टार्ट होगी साइटोप्लाज्म अपना साइज इंक्रीज करना शुरू करेगा, वैक्यूल स्मॉलर होना शुरू हो जाएगा, और एक टाइम आएगा कि वो डिसअपेयर हो जाएगा। ठीक है, ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इसमें 2 to 2 लेयर थिक वॉल एक बनेगी, जो टिश्यूज़ की एक लेयर होगी, जिसे हम कुशन कहते हैं। ठीक है, इट बिकम सेपरेटेड फ्रॉम लोअर नॉन सेलुलर रीजन फॉर्मिंग अ डायाफ्राम, नीचे से ये सेपरेट होकर डायाफ्राम बना लेगी। ठीक है, लोअर रीजन इसका सीनोसिटिक, यानी उसके अंदर कोई सेप्टेट फॉर्मेशन नहीं है, और उसके अंदर स्टार्च बहुत ज़्यादा अमाउंट में एग्जिस्ट कर रहा होगा। ये आगे डेवलप करेगा एम्ब्रियो में, जो कि उसको फूड प्रोवाइड करता रहेगा, यानी आप ये कह सकते हैं कि एज एंडोस्पर्म जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ये एक मेगास्पोर की डायग्राम भी आपको दी हुई है, जिसमें न्यूक्लियस है, मेगास्पोर है, नीचे वाला लार्ज रीजन है जो कि एंडोस्पोर के तौर पर एग्जिस्ट करेगा उसको फूड प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ से मेल और फीमेल गेमिटोफाइट तो बन गए, उन्होंने बना लिया मेल स्पर्म्स, लेकिन यहाँ से डेवलपमेंट होती है आर्चिगोनिया की, और आर्चिगोनिया आपको पता है वो इस कुशन के अंदर सेंटर में ग्रो कर रहा होता है। ठीक है, आर्चिगोनिया में उसके नेक के नाल सेल्स हैं, 8 सेल्स होंगे वो,
जो कि टू टीयर्स ऑफ फोर सेल्स में अरेंज है। इसी तरह से बेसल स्वेलन पोर्शन इसे वेंटर कहते हैं। वेंटर नेक में नेक कैनाल सेल्स होते हैं, वेंटर में वेंटर कैनाल सेल्स, और साथ में एक एग सेल मौजूद होता है। ठीक है, ये आर्चिगोनिया की डेवलपमेंट है। फिर फर्टिलाइजेशन, आपने देखा यहाँ एंथ्रीडियम नहीं बन रहा, यहाँ डायरेक्ट मेल स्पर्म्स बन रहे हैं, जबकि फर्टिलाइज आर्चिगोनिया की डेवलपमेंट हो रही है मेगास्पोर से। ठीक है, फर्टिलाइजेशन की बात करें तो स्पर्म स्विम करके आते हैं अगेन आर्चिगोनिया तक रेन वाटर के थ्रू या ड्यू ड्रॉप शबनम के कतरों के जरिए। ठीक है, नेक कैनाल सेल और वेंटर कैनाल सेल उसी तरह से डिसइंटेग्रेट होते हैं, जैसे पीछे आपने सब प्लांट्स के मेंबर्स में पढ़ा, वो अपने जगह से हिल जाते हैं, ओपनिंग क्रिएट करते हैं, स्पर्म एंटर होता है आर्चिगोनिया में, एग सेल तक जाता है, वहां पर फ्यूज होकर जाइगोट बना लेता है। ठीक है, जाइगोट आगे डिवाइड करता है सस्पेंसर सेल के अंदर, ये एम्ब्रियो को पुश कर देता है और वहां से फूड फिल्ड एक टिश्यू है गेमेटोफाइट में, जहां पर ये डिवाइड होता है फोर सेल्स के अंदर और फिर फर्दर डिवाइड होगा, एपिकल सेल प्रोड्यूस करेगा और एपिकल सेल से फर्दर जो है वो उसका डेवलपमेंट हो जाती है फुट के अंदर, जहां से राइजोफोर भी ओरिजिनेट हो रहे होते हैं, सेपरेट हो रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो प्रोसेसेस चल रहे हैं, एपोगैमी और पार्थिनोजेनेसिस का। एपोगैमी, और तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें पूरा प्लांट जो है वो एक सिंगल बर्ड लाइक स्ट्रक्चर से डेवलप हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन पार्थिनोजेनेसिस भी स्लेजिनेला के अंदर होती है, इसमें अनफर्टिलाइज्ड एग ही डेवलप हो जाता है पार्थोजेनेटिकली इनटू अ न्यू स्पीशीज। इसमें आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होती पार्थिनोजेनेसिस के अंदर, उसमें जस्ट मेगास्पोर स्पोरेंजिया है जो कि स्ट्रोबिलाई में मौजूद है। स्ट्रोबिलाई कोन की तरह का स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत सारे मेगास्पोरेंजिया है, वही मेगास्पोरेंजिया आगे मेगास्पोर बना लेते हैं। ठीक है, और विदाउट फर्टिलाइजेशन ये सारा काम हो रहा होता है, आगे जो है वो न्यू प्लांट की डेवलपमेंट हो रही होती है। ठीक है, इसमें जो है ना वो स्पर्म मेल स्पर्म एंटर ही नहीं होते फर्टिलाइज करने के लिए। ठीक है, तो मेगास्पोर वायबल रहता है जबकि माइक्रोस्पोर सारे अबॉर्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, इसीलिए वो खुद ही डेवलप हो जाते हैं न्यू प्लांट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट ये तो स्लेजिनेला था, इसका जो है वो पूरा लाइफ साइकिल भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है उन्होंने। लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें उसमें स्लेजिनेला के लाइफ साइकिल की, तो स्लेजिनेला जो है वो आपको पता है उसकी डोमिनेंट जनरेशन कौन सी थी, दैट इज अ स्पोरोफिटिक जनरेशन। ठीक है, तो स्पोरोफाइट से ही इसका लाइफ साइकिल स्टार्ट हुआ है, स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट आगे स्पोरेंजिया बना रहा है, बेसिकली यहाँ पर उन्होंने साइनेंजियम दिया हुआ है। या आप यहाँ मेंशन करेंगे कि दो तरह के स्पोर्स बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। ठीक है, सबसे पहले आप लिखेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम बना है और मेगास्पोरेंजियम बना है, वहां से आप आगे दो एरोज लगाएंगे, माइक्रो और मेगास्पोर्स बन रहे हैं, उनमें स्पोर मदर सेल्स है जो माइक्रो और मेगास्पोर्स बनाकर जो है वो आगे डेवलपमेंट हो रही है मेल और फीमेल गेमिटोफाइट के अंदर। ये प्रोथैलस, उन्होंने मेल और फीमेल गेमिटोफाइट को शो किया है। ठीक है, अच्छा, प्रोथैलस के बाद आर्चिगोनिया एंथ्रीडियम बन रहे हैं, एंथ्रीडिया यहाँ नहीं है, डायरेक्टली मेल स्पर्म्स बन रहे हैं मेल गेमिटोफाइट से, और फीमेल गेमिटोफाइट से बन रहा है आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया आगे एक्सेल की डेवलपमेंट कर रहा है, एंथीरोजाइड और एक्सेल कंबाइन करके ऊ स्पोर यानी कि जाइगोट बना रहे हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और यहाँ से एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही है और दोबारा से स्पोरोफाइट जो है वो डेवलप हो रहा है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक इसी से रेलेवेंट, आपने देखा कि यहाँ पर दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं हेट्रोस्पोरी का, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। हेट्रोस्पोरी एक स्टेप है जो है सीड फॉर्मेशन की तरफ, इम्पॉर्टेंट स्टेप, इट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ टू टाइप्स ऑफ स्पोर, माइक्रोस्पोर इन माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोर इन मेगास्पोरेंजिया। ठीक है, इसे हेट्रोस्पोरी कहते हैं। हेट्रोस्पोरी में सेक्स डिटर्मिनेशन का एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा था, यानी हेट्रोस्पोरी खुद जो है वो इन्वॉल्व है इन एक्सप्रेशन ऑफ अ सेक्स डिटर्मिनेशन। जो होमोस्पोर स्पीशीज होती है उनमें सेक्स डिटर्मिनेंट जो है वो इफेक्ट करते सिर्फ गेमिटोफाइट के अंदर एग्जिस्ट करता है, जबकि हेट्रोस्पोरी के अंदर डोमिनेंट इफेक्ट स्पोर फॉर्मेशन से होता है। आपने देखा इससे पहले हम होमोस्पोरस प्लांट्स पढ़ रहे थे, तो होमोस्पोरस में आपने देखा है कि वहां पर सेक्स डिटर्मिनेशन कहाँ पर शो हो रही है, जब गेमिटोफाइट आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया बना रहा है। ऐसे ही उससे पहले प्लांट को पता ही नहीं है कि उसका सेक्स मेल है या फीमेल है। ठीक है,
हेटरोस्पोरी में आपको शुरू में ही पता चल जाता है कि स्पोरोफाइट में कौन सा स्पोर बन रहा है, माइक्रो और मेगा। जो भी स्पोर बन रहा है वही आगे जर्मिनेट करेगा, मेल या फीमेल। गैमेटोफाइट में तो वहीं से सेक्स डिटर्मिनेशन स्टार्ट होती है, स्पोर फॉर्मेशन से। ठीक है, तो स्लेजिरेला हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं इसकी, आपने भी पढ़ी है, जिसमें दो तरह के स्पोर्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। फिर इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स सीड हैबिट। आपने देखा इससे पहले प्लांट सीड नहीं बना रहे, ठीक है, तो सीड फॉर्मेशन प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, प्री रिक्विजिट है सीड फॉर्मेशन। तो मेगा स्पोर क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में बनते थे, और वो होता है ना बहुत सारे हैं तो सबको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना भी मुश्किल है, तो एक हो और उसको सारी चीज़ें मिल जाए, उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो रिडक्शन इन मेगा स्पोर नंबर होना शुरू हुआ, यानी उनका नंबर कम हुआ। जैसे आपने पढ़ा बहुत सारे मेगा स्पोर बनते हैं लेकिन एक ही सर्वाइव करता है, जो आगे मियोसिस करके मेगा स्पोरेंजियम में एक ही सर्वाइव करता है और आगे वो फिर डेवलपमेंट शो करता है। ठीक है, तो वो जो है वो स्पोरोफाइट, उसका रिडक्शन जो है वो ऑब्जर्व की गई नंबर के अंदर, जो कि आगे सीड फॉर्मेशन में इम्पोर्टेंट थी। हेटरोस्पोरी का जो ओरिजिन बेसिकली देखा गया वो फॉसल स्टडीज से ऑब्जर्व किया गया, फॉसल रिकॉर्ड से। ठीक है, जो प्लांट्स के अंदर देखा गया लेट डिवोनियन रीजन के अंदर, लाइकोप्सिडा से स्टार्ट हुई हेटरोस्पोरी, स्लेजिनेला के मेंबर से, यानी कि लाइकोपोर्स में उसकी एग्जाम्पल है, स्लेजिनेला भी इसकी एग्जाम्पल है। फिर स्फिनोप्सिडा यानी इक्विसिडम जो भी हम पढ़ेंगे, टीरोप्सिडा, फर्न्स वगैरह, इनमें भी ऑब्जर्व की गई। ठीक है, द फॉसल रिकॉर्ड ने बताया कि बेसिकली बहुत सारे स्पोर्स की एबॉर्शन होती है, यानी वो ख़त्म हो जाते हैं, सिर्फ कुछ सर्वाइव करते हैं और डिफरेंट साइज के होते हैं, और उन्हीं की वजह से आगे जो है वो सीड फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो हेटरोस्पोरी जो सीड हैबिट है उसमें कुछ पॉइंट्स है ये इंपॉर्टेंट है, जैसे सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर, एक मेगास्पोर सिर्फ सर्वाइव करता है। मेगास्पोरेंजियम को बाहर से प्रोटेक्टिव कवरिंग मिल गई है, इंटेग्यूमेंट्स की फॉर्म है। सीड बनाना है तो बाहर कवरिंग होनी चाहिए उसकी, वो सीड की कवरिंग इंटेग्यूमेंट कहलाती है। तो मेगास्पोर जो एक सर्वाइव करता है उसके इर्द गिर्द भी सीड की तरह की एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जिसको हम इंटेग्यूमेंट का नाम देते हैं। ठीक है, यही बाद में सीड कोट बन जाता है सीड के अंदर। मेगास्पोरेंजियम जो है उस वो रिटेन रहता है उन स्पोरोफाइट। इससे पहले देखा गया कि जितने प्लांट्स में मेगास्पोरेंजियम था वो गिर जाता है, अपने प्लांट से सेपरेट हो जाता है। उससे क्या होता है कि हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन से बहुत सारे ख़त्म भी हो जाते हैं। ठीक है, ज़रूरी तो नहीं कि प्रोटेक्शन मिलती रहे उसको। तो मेगास्पोरेंजियम अब स्पोरोफाइट पर ही रहता है, फीमेल गैमेटोफाइट के साथ साथ, जब तक कि उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हो जाती। पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट एम्ब्रियो की, ये सब कुछ फीमेल गेमिटोफाइट और मेगास्पोरेंजियम के अंदर वॉल में हो रहा होता है। फिर मेल गेमिटोफाइट का साइज रिड्यूस हो है, फीमेल गेमिटोफाइट का साइज लार्जर है। ठीक है, ये भी ऑब्जर्व किया गया। फिर स्लेजिनेला में या सीड हैबिट के हवाले से देखें कि स्लेजिनेला भी हेटरोस्पोरी शो करता है, लेकिन उसमें सीड की फॉर्मेशन आपने नहीं पढ़ी, वो नहीं सीड फॉर्म कर रहा, इसकी क्या वजह? वो कहते हैं कि इसमें मेगास्पोर का नंबर रिड्यूस हुआ, लेकिन स्लेजिनेला में आपने देखा कि स्लेजिनेला क्रोसियाना में चार ही था मेगास्पोर। अभी आपने पढ़ा है कि बहुत सारे मेगास्पोर होते हैं लेकिन उनमें से जो एक है वो सर्वाइव करता है, मेगास्पोरेंजिया। उस मेगास्पोरेंजिया के अंदर एक स्पोर होता है, वो आगे यानी कि स्पोर मदर सेल होता है, वो स्पोर मदर सेल टेट्राड बनाता है मेगास्पोर। तो वो चारों सर्वाइव करते हैं, एक नहीं सर्वाइव करा, एक करेगा तो आगे सीड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा। हाँ, मोनोस्पोरा एक बनाता है लेकिन स्टिल उसके अंदर सीड फॉर्मेशन ऑब्जर्व नहीं की गई। फिर स्लेजिनेला के अंदर जो मेगास्पोर है वो स्पोरोफाइट के ऊपर रिटेन रहता है, फर्टिलाइजेशन होती है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट भी वहीं पर हो रही होती है, लेकिन स्टिल एंजियोस्पर्म के हवाले से इतनी प्रोटेक्शन नहीं है यहाँ पर कि वो सीड फॉर्मेशन कर सके। फिर स्लेजिनेला का जो मेगास्पोरेंजियम है उसका जो न्यूसिलस है एज कम्पेयर टू पाइनस, वो वहाँ पर आपको बहुत सारी वेरिएशन नजर आती है। जैसे पाइनस में प्रॉपर एंडोस्पर्म है जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता रहेगा, ठीक है, जबकि जो स्लेजिनेला की स्पोरेंजियल वॉल है उसमें टू लेयर थिकनेस है, और मेचोरिटी पे वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, लेकिन स्टिल उस वो इतना न्यूट्रिएंट मटेरियल आपने भी पढ़ा है वहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो इतना नहीं है फेवरेबल के वो सीड फॉर्मेशन को लीड कर सके।
स्लेजिनेला और पाइरस, पाइरस जिम्नोस्पर्म का मेंबर है, उसके अंदर आर्चिगोनिया डेवलप करते हैं दोनों में ही, आपको पता है वो दोनों के अंदर एग सेल और वेंट्रल कैनाल सेल्स होते हैं आर्चिगोनिया में, जो कि आगे फीमेल गेमेटोफाइट से डेवलप हो रहे थे। देखिए ये तो वो सारे सिमिलैरिटीज हैं जो कि इसमें और जिम्नोस्पर्म जो इससे हायर क्लास के मेंबर हैं वहाँ पर एग्जिस्ट करी, वो सीड बना रहे लेकिन ये सीड्स नहीं बना रहे, ठीक है, ये तो सिमिलैरिटीज हैं। ठीक है, अब उन्होंने बताया आगे कि कैसे क्यों नहीं बना पाया ये सीड्स, उसमें नंबर वन उन्होंने कहा प्रोटेक्टिव कवरिंग यहाँ पर मौजूद नहीं है, हमने भी पढ़ा कहीं पर भी कोई भी प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं है, इंटेग्यूमेंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। फिर मेगास्पोर जो है वो हमने कहा कि वो फीमेल गेमिटोफाइट में रहता है लेकिन वो परमानेंटली रिटेन्ड नहीं रहता, इसीलिए ये सीड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ। फिर यहाँ पर रेस्टिंग टाइम पीरियड नहीं है, देर इज अ लेक ऑफ रेस्टिंग टाइम पीरियड आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के बाद एक रेस्टिंग टाइम पीरियड चाहिए होता है ताकि प्रॉपरली सीड की डेवलपमेंट हो सके, इस वजह से स्लेजिनेला जो है वो सीड फॉर्मेशन नहीं कर सका, ठीक है, हालांकि इसके पास सारे करेक्टरिस्टिक फीचर मौजूद थे। तो ये इम्पॉर्टेंट है, हेटरोस्पोरी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है और स्लेजिनेला के हवाले से भी ये इम्पॉर्टेंट है, आपने याद रखना है कि स्लेजिनेला के पास क्यों कौन कौन से ऐसे फीचर्स थे जो जिम्नोस्पर्म से मिलते थे लेकिन स्टिल वो सीड फॉर्मेशन नहीं कर सका, उसके क्या रीजंस है। ठीक है, नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड आर नेक्स्ट टॉपिक, आर्थ्रोफाइटा है, स्विनोप्सिडा नेक्स्ट डिवीजन है, स्विनोप्सिडा में जो हम आज मेंबर पढ़ेंगे डेट इज इक्विसिटम, इक्विसिटम की टेक्सोनॉमिक पोजिशन डिवीजन है स्विनोफाइटा, क्लास है क्लेमोप्सिडा, ऑर्डर है इक्विसिटेलीज, फैमिली इक्विसिटेसी और जीनस है इक्विसिटम, ये इक्विसिटम का प्लांट है, ठीक है, इसको हम हॉर्स टेल भी कहते हैं क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो हॉर्स टेल के साथ ज़्यादा रिजेंबल करता है, इसलिए हम उसको हॉर्स टेल का नाम देते हैं, ये इक्विसिटम का ओरिजिनल प्लांट है। ठीक है, आप इसमें गौर करें तो इस प्लांट के बीच में आपको जॉइंट्स नजर आ रहे हैं, इट इज़ अ जॉइंटेड स्टेम, ठीक है, इनको आर्थ्रोफाइटा के मेंबर भी कहा जाता है। ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ आर्थ्रोफाइट्स, आर्थ्रोफाइट्स वो सारे होते हैं प्लांट्स जिनके जॉइंटेड स्टेम्स होते हैं। ठीक है, तो इक्विसिटम की अगर हम बात करें तो इक्विसिटम हॉर्स, इक्वस हॉर्स से निकला है और सीटा का मतलब ब्रिसल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये जो ब्रिसल लाइक है ये लिविंग मेंबर है इक्विसिटम इक्विसिटेसी फैमिली का, ये जस्ट एक ही मेंबर है जो अभी सरवाइव कर रहा है, बाकी कोई सारे डेड हो चुके हैं। स्पीशीज जो है इनमें ब्रांच रन ब्रांच हो सकती है, इन्हें हम हॉर्स टेल कहते हैं, पाइप्स की तरह का, ये आप देख रहे हो इसके अंदर पाइप्स की तरह के आपको स्टेम नजर आ रहा है, इसका स्टेम है सारा। ठीक है, स्कोरिंग के लिए भी यूज किया जाता है इसको, स्कोरिंग बेसिकली आर्ट है जिसमें हम ब्रश या सोप्स के थ्रू क्लीनिंग करते हैं। ठीक है, क्लीनिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करना, तो इसे स्कोरिंग रशिस के लिए भी यूज़ किया जाता है। सिलिका इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सेल वॉल के अंदर, इसके एपिडर्मिस के अंदर सेल वॉल में सिलिका मौजूद होता है, इसीलिए अगर आप इसको टच करके देखें तो रफ अपेयरेंस शो करता है, अब्रेसिव है, रगड़ लगती है उसे बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब्रेसिव है वो टच। ठीक है, अकरेंस की अगर हम बात करें तो इसमें 25 स्पीशीज वर्ल्ड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ज़्यादातर मुख्तलिफ हैबिटेट्स में, डैप शेडी प्लेसेस में, या फिर कोई भी बैंक है स्ट्रीम्स का वहाँ पर, ये नदी नालों के इर्द गिर्द किनारों पर ये एग्जिस्ट करता है, मार्शी प्लेसेस पर भी कुछ स्पीशीज है, इक्विसिटम की बहुत सारी स्पीशीज जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, पाकिस्तान में भी इक्विसिटम आर्वेंस है। ठीक है, और बहुत सारी कॉमन स्पीशीज है। वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी की बात करें तो प्लांट इसका अगेन स्पोरोफाइट है और हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, यानी कि सरफेस के साथ साथ कुछ एरियल ब्रांचेज होती है जो इसमें से अराइज हो रही होती है, वैसे अंडरग्राउंड भी इसमें स्टेम एग्जिस्ट करते हैं, इसे हम राइजोम का नाम देते हैं, जैसे आपने उसमें पढ़ा था साइलोटम में भी अंडरग्राउंड स्टेम है। राइजोम, राइजोम जो है वो उन्होंने बताया परिनियल अंडरग्राउंड राइजोम है, यहाँ पर स्टेम जो इसका एग्जिस्ट कर रहा है सॉइल में, वेल डिफ्रेंशिएटेड है इंटू नोड एंड इंटर नोड्स। ठीक है, स्केल लीव्स होते हैं बहुत सारे इसमें, फिर लेटरल ब्रांचेस हैं जो इसकी नोड से अराइज हो रही है, इनमें स्केल लीव्स का कलर ब्राउन है जो यूनाइटेड होते हैं बेस से, और उनके इर्द गिर्द एक शीट भी एग्जिस्ट करती है जो उनको प्रोटेक्ट भी कर रही है। ठीक है,
एरियल ब्रांचेस की बात करें तो यहाँ पर नोड से एरियल ब्रांचेस अराइज हो रही है फ्रॉम राइजोम 2 फीट तक इनकी हाइट हो सकती है। नोड और इंटर नोड उसमें प्रेजेंट है। नोड्स और इंटर नोड्स में से आगे फर्दर ब्रांचेस भी अराइज होती है। इंटर नोड्स की अगर हम बात करें तो उसमें रिजेस और फरोज नजर आती हैं। ठीक है, रिजेस ऑल्टरनेट करती हैं एक दूसरे को, जबकि बहुत सारे स्मॉल लीव्स जो हैं वो बेसिस से अराइज हो रहे होते हैं जो वेल डेवलप शीथ के साथ होते हैं। ठीक है, इनमें जो लीव्स हैं वो नॉन फंक्शनल है, रिड्यूस्ड है, यानी फोटोसिंथेसिस का काम नहीं करते। यहाँ फोटोसिंथेटिक फंक्शन किसने परफॉर्म करना है, वो इन्हीं एरियल ब्रांचेस ने परफॉर्म करना है, यानी फोटोसिंथेसिस के लिए इनका स्टेम है ये एरियल ब्रांचेस। लीव्स यहाँ पर नॉन फंक्शनल है। रूट की बात करें तो रूट राइजोम से डेवलप होती है, प्राइमरी रूट है, लेकिन जो स्टेम से अराइज होगी उसे हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। हमेशा याद रखना है वो रूट जो के स्टेम से अराइज होती है वो एडवेंटिशियस है। वैसे यहाँ पर जो रूट है वो शॉर्ट लिव्ड है और प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है। ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन काम है एडवेंटिशियस रूट्स का भी और प्राइमरी रूट का भी, जब तक वो रहेगी, और उसने प्लांट को एंकर करके रखना है जमीन के साथ और फूड को मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना है फॉर फूड प्रोडक्शन। एपिकल ग्रोथ में आपने याद रखना है बेसिकली कि एपिकल ग्रोथ जस्ट एपिकल मेरिस्टम्स की मदद से होती है। सिर्फ ये एक पॉइंट याद रख ले इसका। ठीक है, प्राइमरी ग्रोथ किसकी मदद से हो रही है, एपिकल मेरिस्टम्स की वजह से। इंटरनल एनाटॉमी की बात करें तो इंटरनल एनाटॉमी में हम स्टेम की एनाटॉमी पढ़ते हैं। स्टेम इसका वेवी है। वेवी क्यों है, क्योंकि हमने स्टार्ट में ही कहा कि इसकी इंटर नोड्स स्मूथ नहीं है बल्कि उसमें रिजेस और फरोज मौजूद है, यानी कि डिप्रेशन है कहीं से अंदर की तरफ, तो ये जो है वो स्मूथ अपेयरेंस शो नहीं करती, इसलिए इसकी वेवी स्टेम जो है आउटलाइन में नजर आता है। ठीक है, सबसे पहले हम इक्विसिटम में एपिडर्मिस स्टडी करते हैं। एपिडर्मिस सिंगल लेयर ऑफ सेल है, सेल वॉल आपने पढ़ा इक्विसिटम की, सिलिसिफाइड है। सिलिसिफाइड का मतलब कि उसमें सिलिका की डेपोजिशन है, स्टोमेटा उसमें प्रेजेंट है, इसके अलावा वहां पर फरोज मौजूद है बिटवीन रिजेस। ठीक है, कॉर्टेक्स की बात करें तो कॉर्टेक्स में स्क्लेरन काइमेटस कॉर्टेक्स है। ठीक है, अगेन जिसमें स्क्लेरन काइमा सेल्स होंगे जो के लार्ज बैंड्स होते हैं जो के सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए बिलो रिजेस होते हैं। क्लोरेन काइमेटस कॉर्टेक्स है जिसके अंदर पैरन काइमा सेल्स की 2 to 5 लेयर्स हैं, थिन वॉल्ड सेल्स हैं लेकिन उनके अंदर क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेटिक है, इसलिए क्लोरेन काइमा कॉर्टेक्स कहलाते हैं। पैरन काइमा कॉर्टेक्स है, इसके बाद मेजर पोर्शन ऑफ स्टेम यही होता है पैरन काइमा सेल्स का, थिन वॉल्ड है और उनके दरम्यान में कोई भी स्पेस नहीं होती। ठीक है, वेलिकुलर कैनाल्स हैं इनके स्टेम में, जो आपने पीछे नहीं पढ़ी। वेलिकुलर कैनाल्स क्या होती है, ये जो है वो लॉन्ग कैनाल्स हैं जो कि इनके स्टेम में एग्जिस्ट करती है। दीज आर प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, बेसिकली ये ग्रूव्स के ऑपोजिट एग्जिस्ट कर रही है, जहाँ डिप्रेशन है उसकी बैक साइड पे उसके ऑपोजिटली एग्जिस्ट करेगी। एंडोडर्मिस है वेल डेवलप, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स एंडोडर्मिस की वॉल में, जैसे आपने पीछे भी पढ़ा सब में यही एंडोडर्मिस है। स्टील यहाँ पर साइफोनो स्टील है, साइफोनो स्टील में बेसिकली फ्लोएम बाहर है, उसके अंदर जाइलम है और उसके अंदर पिथ एग्जिस्ट कर रही है, रिंग की फॉर्म में है, ये डिफरेंट शेप्स में भी हो सकती है लेकिन यहाँ पर रिंग की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। स्टील वेस्कुलर बंडल एग्जिस्ट करता है, डेट इज कोलेटरल। कोलेटरल का मतलब ये बंडल है जिसमें फ्लोएम बाहर और जाइलम अंदर वाली साइड पर अवेलेबल होगा। फिर हम पेरिसाइकल की बात करते हैं। पेरिसाइकल सिंगल लेयर ऑफ सेल है जो कि एंडोडर्मिस के अंदर मौजूद है। जाइलम यहाँ पर कोलेटरल है, अगेन वी शेप्ड जाइलम है। ठीक है, शेप वाइज वी शेप है, बेस पर प्रोटोजाइलम जबकि टिप के ऊपर मेटाजाइलम है जो आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ बनेगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ खास किस्म की कैनाल्स भी है जिन्हें क्राइनियल कैनाल्स का नाम दिया जाता है। ये कैनाल्स आफ्टर डिसइंटेग्रेशन ऑफ जाइलम टिश्यू जो है वो बनती है, जो जाइलम टिश्यू डेड हो जाते हैं या अपनी स्प्लिटिंग शो करते हैं उनके अंदर जो है वो ये वाली कैनाल्स बन रही है जिन्हें हम क्राइनियल कैनाल्स का नाम देते हैं। ठीक है, फ्लोएम इसमें आपको पता है दो तरह के सेल्स होते हैं, सीव ट्यूब और फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स जो यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। वेसल्स यहाँ पर रिपोर्ट की गई, इससे पहले आपने देखा वेसल्स जो है वो एब्सेंट थी, स्लेजिनेला में नहीं थी। ठीक है, वेसल्स दो चीज़ों से बनी है, वेसल एलिमेंट से, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर
कनेक्शन है कैराइनल कैनाल्स के थ्रू, ठीक है, वेसल्स का कनेक्शन है कैराइनल कैनाल्स के साथ। ये आपको बुक में डायग्राम दी हुई है, आपने 21वीं में प्रैक्टिकल कॉपी में उसका मेन प्लांट, उसके बाद ये स्टेम जो है वो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिकल के हवाले से स्लाइड की शो की हुई है यहाँ पर, ये देख ले, इसमें रिजेस फरोज मौजूद है, इक्वल नहीं है, स्मूथ नहीं है, बल्कि वेवी मार्जिन है, ठीक है। इसमें ये बाहर एपिडर्मिस है, रिजेस मौजूद है, ये अंदर वाला डिप्रेशन फरो कहलाता है, ये वेलिकुलर कैनाल्स है, ये क्लोरेनकाइमा सेल्स है जिनमें क्लोरोप्लास्ट है, ये अंदर पिथ है, हॉलो पिथ, ये एंडोडर्मिस के सेल है, ये कोलेटरल आपको बंडल नजर आ रहा है जाइलम फ्लोएम का, जिसमें बाहर जाइलम, बाहर अंदर जाइलम और बाहर फ्लोएम है, वेस्कुलर बंडल इसको हम कहते हैं। और साथ में इन्हीं के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर ये जो सेंटर में आपको नजर आ रही है, ये जाइलम फ्लोएम है, ये सेंटर में जो खाली जगह नजर आ रही है क्या है, ये कैराइनल कैनाल्स है जिनमें फ्लोएम का कनेक्शन जाइलम के साथ मौजूद है। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है इक्विसिटम का, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसकी रिप्रोडक्शन की तरफ। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इक्विसिटम होमोस्पोरस है अगेन, यानी उसमें लोअर वेस्कुलर प्लांट्स में होमोस्पोरी ऑब्जर्व की गई है, यानी सेम टाइप ऑफ स्पोर ये बनाता है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से, वेजिटेटिवली भी ये ग्रो करता है, वेजिटेटिवली या तो ये ट्यूबरस ब्रांचिंग के थ्रू ग्रो करेगा, ट्यूबर बना लेगा, और वो जो ट्यूबर सेपरेट होंगे तो वो न्यू प्लांट में डिवेलप हो जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर ट्यूबरस ब्रांचेस ही ये डेवलप करते हैं, और डिटैचमेंट पर वो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस कर जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरोफाइट बनाती है, जिसमें स्पोरेंजिया बनते हैं और अ स्टॉक, जिसको हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। ये आपको जो डायग्राम शो की गई है स्पोरेंजियोफोर की है, ठीक है। ये जो आपको कौन दिखाएगी, ये स्ट्रोबिला है जो ऊपर बनी हुई है, ठीक है, ये स्ट्रोबिला है। तो ये स्ट्रोबिला आपको मैंने भी बताया था, बहुत सारे इसमें स्पोरेंजिया होते हैं, तो ये जिसके ऊपर लगते हैं वो स्पोरेंजियोफोर कहलाता है, तो स्पोरेंजियोफोर यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, उसके बाद स्ट्रोबिला यानी कौन बनाते हैं ये, वो वेजिटेटिव शूट के ऊपर ही बन रही होती है, ठीक है, टिप के ऊपर कुछ ग्रीन फर्टाइल ब्रांचेस होती हैं जो कि ये बना रही होती है, ठीक है। स्ट्रोबिलाई मेन एक्सिस के साथ अटैच होती है, यहाँ पर इक्विसिटम के अंदर जो स्ट्रोबिलाई डेट इज टी शेप्ड, ठीक है, वो टी शेप्ड क्या कहलाता है, स्पोरेंजियोफोर। अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये ऊपर से ये सारा टी शेप स्ट्रक्चर बना रहा है, ये और ये, ठीक है, ये टी शेप स्ट्रक्चर है इसका जो स्पोरेंजियोफोर के अंदर आप ऑब्जर्व करते हैं। 5 to 10 स्पोरेंजिया यहाँ पर मौजूद होते हैं, स्टॉक होती है नीचे और ऊपर से एंड जो है वो फ्री होता है, सेपल्टेट फ्री हेड रीजन कहते हैं, हेड है उसका, हेड में स्पोरेंजियोफोर होते हैं जो कि क्लोजली लिंक्ड है एक दूसरे के साथ, जिसमें बहुत सारे स्पोरेंजिया जो है वो मौजूद होंगे, ठीक है। अगर आप देखें तो नीचे से ये कनेक्टेड है लेकिन ऊपर से ये पेल्टेट एंड बना रहे हैं, ठीक है, टी शेप जो है ये, यहाँ पर बहुत सारे स्पोरेंजियोफोर हैं, वो स्पोरेंजियोफोर जो हेड, इसको हेड भी कहते हैं, हेक्सागोनल भी हो सकता है, ये एक रिंग लाइक आउटग्रोथ यहाँ पर आपको नजर आ रही है, जिसको हम एन्यूलस का नाम दे रहे हैं, ये एन्यूलस है यहाँ पर, ये आउटग्रोथ है जो कि एन्यूलस है, जो स्पोरेंजियोफोर के नीचे मौजूद होगी। वेस्टिजियल ब्रैक्ट इसको कंसिडर करते हैं, यानी बेसिकली ये प्रोटेक्टिव कवरिंग थी, ब्रैक्ट जिसे हम कहते हैं, तो ये वेस्टिजियल है, इसका फंक्शन कोई भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ मेचोरिटी पर कोर एक्सिस श्रिंक हो जाती है स्पोरेंजियोफोर, और उसमें से सारे स्पोरेंजिया बाहर की तरफ रिलीज हो जाते हैं, तो ये भी टी शेप स्पोरेंजिया आपको शो किया हुआ है, स्पोरेंजियोफोर जिसके नीचे स्टॉक है, ये स्पोरेंजियम उसमें लगा हुआ है, और स्पोरेंजियम के अंदर क्या चीज मौजूद है, स्पोर्स मौजूद है, ठीक है। ये ओवरऑल इसके उसका स्ट्रक्चर है स्पोरेंजियोफोर का, ठीक है। स्पोरेंजियम की डेवलपमेंट कैसे होती है, स्पोरेंजियम इलोंगेट फिंगर लाइक है विद अ राउंड एपेक्स, ऊपर से एपेक्स जो है उसकी राउंड होती है, ठीक है। इसमें न्यूट्रिटिव लेयर बनती है, वो न्यूट्रिटिव लेयर बेसिकली टैपेटम है अगेन, और उसके अलावा टू लेयर स्पोरेंजियल वॉल होती है, सेल्स ऑफ आउटर लेयर डेवेलप इन अ हेलिकल थिकनिंग, बाहर से जो है वो हेलिक्स की फॉर्म में ये अरेंज हुई हुई होती है वॉल, ठीक है। स्पोर का स्ट्रक्चर देखें तो वो यूनिसेलुलर है, यूनि न्यूक्लिएट है, प्रोटोप्लास्ट उसमें सराउंड कर रहा है इर्द गिर्द, और 4 कंसेंट्रिक लेयर्स बना रहा है जिसमें मेच्योर स्पोर्स बन रहे हैं, और हर एक स्पोर के पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद है ताकि लेटर ऑन वो फोटोसिंथेसिस कर सके, इस तरह वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहता, ठीक है।
ये आपने शॉर्टली करना है क्योंकि इसमें जो डेवलपमेंट है सेंट्रल वाला पैराग्राफ वो नहीं आपने करना, ठीक है। इलेटर्स की बात करते हैं। इलेटर्स आपने पहले भी पढ़े कि ये इलेटर्स जो है वो मौजूद थे एंथोसेरस के अंदर। फोर स्पाइरल स्ट्रिप्स मौजूद होती है आउटर मोस्ट स्पोर वॉल, जिसे हम इलेटर का नाम देते हैं। ये इलेटर होते हैं हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। टाइटली कॉइल्ड होते हैं अबव द स्पोर्स, स्पोर्स के साथ जुड़े होते हैं। जब कभी भी स्पोर्स ने डिस्पर्स होना है तो इन्हीं लेटर्स ने वाटर को एब्जॉर्ब करना है और उनमें से ये सारा स्पोर्स को डिस्पर्स करने में हेल्पफुल होंगे। आगे डिहीसेंस ही बताई हुई है। डिहीसेंस मीन के यहाँ से स्पोर्स जो है वो डिस्पर्स हो जाएंगे, डिस्पर्स होंगे स्पोरेंजियोफोर से बाहर आएंगे, लेटर वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, उनको रिलीज कर देंगे, ठीक है। स्पोर्स ग्राउंड पर गिर जाएंगे और उसके बाद वो वायबल रहते हैं, जिंदा रहते हैं फॉर अ फ्यू डेज। फिर उनकी डेवलपमेंट होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू इन अ गेमीटोफाइट। यहाँ पर गेमीटोफाइट रिड्यूस्ड है, प्रोथेलस बनाता है अगेन। हमेशा गेमीटोफाइट कौन सा होगा? प्रोथेलस की फॉर्म में ग्रो करेगा इन अ क्लेई सॉइल या मड के ऊपर, ठीक है। इसमें आपने याद रखना है स्पोर सेल हमेशा डिवाइड होगा। स्पोर सेल आफ्टर डिवीजन बनाएगा स्मॉल लेंथ शेप राइजोइडल सेल्स, वो राइजोइडल सेल्स राइजोइड्स में डेवलप हो जाएंगे, जबकि एक बनाएगा लार्ज प्रोथीलियल सेल। ये प्रोथीलियल सेल सर्कुलर इरेगुलर होगा और पैरेंट का मेटासीडेशन है नेचर है, कुशल लाइक बॉडी होती है। यानी स्पोर जर्मिनेट कर रहा है दो चीज़ों में, एक है राइजोइडल सेल्स जो राइजोइड बना रहे हैं और दूसरा प्रोथीलियल सेल है जो कि आगे फर्दर बॉडी बनाने में इन्वॉल्व होंगे गेमीटोफाइट से, ठीक है। ये आपको बुक में डायग्राम दी हुई है, अभी आपने प्रैक्टिकल में ड्रॉ करनी है सी वाली डायग्राम, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो प्रोथेलस है उसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद है और वो जो क्लोरोप्लास्ट है वो बेसिकली फोटोसिंथेसिस के लिए इन्वॉल्व है। हाँ, लेकिन जो सेल के लोअर पार्ट्स हैं वो कलरलेस है, उसमें कोई कलर नहीं होता, ठीक है। प्रोथेलसिस का मेरिस्टमैटिक भी है। मेरिस्टमैटिक का मतलब कि वो जब चाहे ग्रोथ शो कर सकता है अपनी, ठीक है। तो जो अपर पार्ट होता है प्रोथेलस का वो क्लोरोप्लास्ट है, उसमें मेरिस्टमैटिक है, जबकि लोअर पार्ट जो है उसका कलरलेस है। सेक्स ऑर्गन्स बात करें तो गेमीटोफाइट होमोथैलिक है, एक ही में दोनों पार्ट्स होंगे, आर्चिगोनिया भी और एंथ्रीडिया भी। ये गेमीटोफाइट का स्ट्रक्चर है, यह आप देख रहे हो, ये एंथ्रीडिया डेवलप हुए हुए हैं और ये जो है इसके दरमियान में आर्चिगोनिया की डेवलपमेंट शो की हुई है, ठीक है। ये आर्चिगोनिया है और ये एंथ्रीडियल सेल्स जो है यहाँ पर मौजूद है, नीचे से राइजॉइड निकल रहे हैं, प्रोथेलस है ये गेमीटोफाइट। आर्चिगोनिया जो है वो डेवलप हो रहा है इन अ टिश्यू बिटवीन एरियल लूप्स, ठीक है, और द गेमीटोफाइट। और मेच्योर आर्चिगोनिया में उसी तरह बेसल पोर्शन है, वेंटर ऊपर है, नेक केनाल सेल जो 2 to 3 लेयर्स ऑफ सेल्स है, तो नेक केनाल सेल्स बूट शेप होते हैं और वेंटर केनाल सेल्स आपको पता स्वेलर है जिसके दरमियान में एक्स सेल मौजूद होता है, ठीक है, सुपरफिशली ये ग्रो करता है। जबकि एंथ्रीडियम की बात करें तो एंथ्रीडियम प्रोस्ट्रेट पार्ट, प्रोथेलस के प्रोस्ट्रेट यानी कि आपने देखा अभी साइड मार्जिन पर ग्रो कर रहा है ये, उसमें स्पर्मेटोजीनस सेल्स है, 2 to 4 जैकेट सेल्स की एक ही लेयर है जो कि यहाँ पर इसके इर्द गिर्द मौजूद है। हर एक स्पर्म मदर सेल आगे मेटामॉर्फोसिस के थ्रू क्या बना लेगा? मल्टी फ्लेजिलेटेड स्पर्म, ठीक है, स्पर्म सेल्स बना लेगा। ये एंथ्रीडियम की डायग्राम दी हुई है जिसमें एंड्रोसाइट्स मौजूद है, डी वाली डायग्राम, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत है, अगेन वाटर होगा। वाटर जो है वो ऑपरक्यूलर सेल्स जो जैकेट लेयर ऑफ सेल्स के ऊपर एक सेल्स होते हैं उनकी लेयर होती है ऑपरक्यूलर सेल, उसको डिसइंटेग्रेट करेगा। मेल स्पर्म मूव करके आएंगे आर्चिगोनिया तक, आर्चिगोनिया में एक ही एक्सेल होगा जहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाएगी और जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। जाइगोट से आगे डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की, उसमें आपको पता है कि वो बेसिकली दो तरह के सेल्स बनाता है एम्ब्रियो आफ्टर डिवीजन, हाइपोबेसल सेल और एपीबेसल सेल। हाइपोबेसल सेल स्मॉलर है, वो फुट और रूट बनाएगा, जबकि एपीबेसल सेल लार्जर है और वो शूट बनाने में इन्वॉल्व होगा। इसमें सिर्फ ये आपने दो पॉइंट्स याद रखने हैं, एम्ब्रियो हाइपोबेसल सेल और एपीबेसल सेल बना रहा है, एपीबेसल सेल लार्ज सेल होगा एम्ब्रियोनिक रूट, जबकि हाइपोबेसल सेल स्मॉलर है वो सॉरी हैप्पी बेसल सेल शूट और जो हाइपो बेसल सेल है वो रूट और फुट बनाने में इन्वॉल्व होगा, ठीक है।
इम्पोर्टेंस आपको इक्विसिटब की दी हुई है, सिलिका इसमें मौजूद है, रफ अब्रेसिव टच अपेयरेंस देता है, और आपने शुरू में ही पढ़ा है कि ये स्कोरिंग रशेस के तौर पे यूज किया जाता है, क्लीनिंग के लिए या वुड को पॉलिश करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। मेडिसिन में बहुत सारी इसकी इम्पोर्टेंट स्पीशीज है। थेरापूटिकली हम इसमें से सिलिका निकाल लेते हैं और उसको फिर आगे इलाज के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी तरह एसिडिटी और डिस्पेप्सिया के जब पेशेंट्स होते हैं जिन्हें स्टमक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, उनके इलाज के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है, इसकी राख को, एशिस को, ठीक है। इसीलिए डायरूटिक भी है। मोशन और इस तरह के जो पेट दर्द और इस तरह की जितनी भी इंटेस्टाइनल या गट प्रॉब्लम जो होती है उनको उनके इलाज के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। फिर सिलिका की कुछ स्पीशी सॉरी इक्विसिटम की कुछ स्पीशीज में गोल्ड भी ऑब्जर्व किया गया, गोल्ड भी एग्जिस्ट करता है 4.5 ओज पर टन, ठीक है। कुछ स्पीशीज जो है दीज आर इंडिकेट ऑफ मिनरल कॉन्टेंट इन सॉइल, यानी कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा मिनरल्स को ऐड कर रही होती है सॉइल के अंदर, तो ये भी इक्विसिटम की इम्पोर्टेंस के अंदर ही आता है, ठीक है। ये आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी याद रखने के, हम इनको इलाज के लिए डिस्पेप्सिया डायरेटिक पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, एसिडिटी के पेशेंट्स के अगेंस्ट, क्लिनिक पर्पज़ के लिए भी इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरीके से इसमें गोल्ड भी ऑब्जर्व किया गया है, और इसके अलावा जो है वो इसमें मिनरल्स भी मौजूद होते हैं, तो ये सॉइल में एग्जिस्ट करता है, मिनरल कंटेंट इंक्रीज करता है, ठीक है। ये इसका लाइफ साइकिल है इक्विसिटम का। स्ट्रोबिलाई है, कोन बना रहे हैं जिसमें स्पोरेंजियम बनेंगे, होमोस्पोर्स हैं, ठीक है। मियोसिस के बाद वो स्पोर्स बना रहे हैं हैप्लॉइड गेमेटोफिटिक जनरेशन स्पोरोफाइट से। ये स्पोर्स प्रोथैलस बनाएंगे, प्रोथैलस आर्चिगोनिया एंथ्रीडिया बनाएगा, आर्चिगोनिया एक्सल और एंथ्रीडिया एथीरोजॉइट्स में डेवलप हो जाएगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सिन गैमी ऊ स्पोर यानी कि जाइगोट, और जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा जो कि अगेन डिप्लॉयड हो गया, गेमेटोफाइट है, दोबारा से स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है वो इक्विसिटम की बना ली। यहाँ पर भी डोमिनेंट जनरेशन इक्विसिटम की स्पोरोफाइट है, ठीक है, क्लियर है। ये आपने अच्छे तरीके से मेंबर करने, इक्विसिटम भी और स्लेजिनेला भी अलॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं। थैंक यू सो मच।